हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखो जागरूक, बनो जागरूक। राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की राजस्थान गौरव यात्रा शनिवार से शुरू होगी। ये यात्रा जोधपुर संभाग में 1482 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राजस्थान गौरव यात्रा उदयपुर के चारभुजा तीर्थ से शनिवार 4 अगस्त को धूम धड़ाके से रवाना होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सुबह 11 बजे यात्रा शुरू होगी, जो राजस्थान के लगभग 165 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराएगी। करीब 40 दिन की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 6054 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का समापन 30 सितंबर को अजमेर में होगा। यात्रा जोधपुर संभाग में 1442 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 7 दिवस में 32 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। मुख्यमंत्री अनेक स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर जोधपुर सहित पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 अगस्त को उदयपुर के चारभुजा नाथ से सुबह 11 बजे पूजा अर्चना के बाद यात्रा आरंभ करेगी। इसके बाद ये यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी। जोधपुर संभाग में जैसलमेर के तनोटराय से 23 अगस्त को यात्रा आरंभ होगी। मुख्यमंत्री यहां पर तनोटराय माताजी के दर्शन एवं पूजन के बाद यात्रा आरंभ करेगी। 23 से 29 अगस्त तक यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जोधपुर संभाग के 32 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1442 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 7 दिन तक यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की अनेक स्थानों पर सभाएं होंगी। अनेक स्थानों पर यात्रा का धूम धड़ाके से स्वागत किया जाएगा। जोधपुर शहर के तीनों विधानसभा में यात्रा के आगमन की तैयारी जोर शोर से आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री की ये यात्रा जोधपुर शहर में 29 अगस्त को लूनी विधानसभा क्षेत्र से प्रवेश करेगी। जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का सरदारपुरा, जोधपुर शहर एवं सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में उत्साह के साथ स्वागत किया जाएगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।